काफ़ी अमेजिंग लग रही है। डेमो के तौर पे यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। वो बेसिकली वर्ल्ड कार अवार्ड्स में जानी जाती है, अब एक सेंट्रो है। Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? Okay, so we are inside the Auto Expo 2020 और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों आज कि हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से ब्रांड हैं जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। ऑब्वियसली हम लेट हो गए थोड़े, बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो आपको कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएं और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हम जो चलेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ही मर्सिडीज़ का स्टॉल है, राइट हैंड साइड पे टाटा का भी है। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल गाड़ियाँ आई हुई हैं। भाई बच्चे तो अभी हम हैं मर्सिडीज के स्टॉल में और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भीड़ बहुत है। जो क्राउड अगर आप देखोगे तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा वहाँ पे सारा क्राउड, और वो मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग और मर्सिडीज़ की सारी गाड़ियाँ ऑक्यूपाइड है। क्योंकि मेरे लेफ्ट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे E220D जो कि आप देखते हो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी क्लीन लग रही है, और इधर जो खड़ी हुई है वो है C220D। ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा इसका कलर लग रहा है, डू लेट मी नो। ओके, तो अब जो एक और गाड़ी मर्सिडीज़ के स्टॉल पे है, दैट इज़ एस क्लास। अब एस क्लास की जो फ्रंट ग्रिल है वो भी आप देखो, अब इधर देखो आप, इसके प्रोजेक्टर काफ़ी अमेजिंग है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग व्हील बेस का, जो कि आप अगर आप देखोगे तो साइड से आपको आइडिया होता है। स्पेशली आई लाइक द अलॉय व्हील्स जो इसके रिम में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने मेबैक करी थी ब्लैक कलर में, ये एस क्लास है, दैट इज़ V12, और उसी के साथ पीछे भी मर्सिडीज़ की कुछ गाड़ियाँ। तो अभी हम कुछ मर्सिडीज़ के स्टॉल पे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है जो कि आप इधर से भी देखना चाहोगे। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए है कि अगर आप मर्सिडीज़ की गाड़ी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो भी आप डेमो के तौर पे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। अब ये देखो, है कि नहीं अमेजिंग गाड़ी। स्पेशली ऐसा लगता है कि गाड़ी रैप हुई हुई है, लेकिन स्टॉक कलर आई, स्पेशली द हेडलैम्प्स अगर आप देखना चाहो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये थी कुछ मर्सिडीज़ की एक और गाड़ी। ओके, तो अब हम आ चुके हैं GLA, द ऑल न्यू GLA। अब ये देखो आप, अब बताओ कि कैसी है कमेंट सेक्शन में। और उसी के साथ एक ये येलो कलर की कार, अभी तक आपने ऑटो एक्सपो की काफ़ी सारे वीडियो में ये गाड़ी देखी होगी। तो मर्सिडीज़ का जो स्टॉल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ अ ए क्लास AMG येलो कलर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी इसका ज़रा फ्रंट लुक देखते हैं। तो ये कुछ 835 का फ्रंट से लुक है, काफ़ी अमेजिंग लग रही है। कहीं ना कहीं ए क्लास ने भी अलग से जगह बना रखी है वाकई। तो अब चलते हैं और गाड़ी देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वन ऑफ माय फेवरेट कार, दैट इज़ GLE। कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, साइड से अगर हम देखने की कोशिश करें तो साइड से कुछ ऐसी दिखती है ये GLE। अब आपको अगर GLC देखनी है तो वी हैव GLC है। अब GLC की भी जो फेस लिफ्ट वर्जन है वो आप देखो, स्पेशली द कलर काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है इसके लुक को।
जो इसके DRL है वो भी आप देखते हो। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉल लगा मुझे। तो अभी देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग गाड़ी जो मर्सिडीज़ के स्टॉल में खड़ी हुई है। तो अब जो इंटरेस्टिंग गाड़ी है जो मर्सिडीज़ के स्टॉल पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, दैट इज़, इधर आप देख सकते हो ये बोलो GT नहीं है। इसके अंदर ऐसी चीज़ है कि अंदर आप देखोगे तो अंदर काफ़ी सारे कंफर्टेबल जो चेयर हैं वो रिमूव भी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पीछे भी आ रही है और ब्लू कलर में है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो मर्सिडीज़ ने निकाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कार है। सो नाउ हम मर्सिडीज़ की एक और गाड़ी देखने वाले हैं, दैट इज़ C-Class C43, जो कि रेड कलर में AMG लाइन, और ये भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब जो लास्ट गाड़ी है मर्सिडीज़ की वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, दैट इज़ माई ड्रीम कार, दैट इज़ द G63 AMG। ओके, सो दिस इज़ द कार जो मैं बात कर रहा हूँ, G63 AMG लाइन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ी है दोस्तों। अब ये गाड़ी आप देखो, ये मर्सिडीज़ के स्टॉल पे सबसे हाईलाइटेड कार है और सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी मानी जाती है G63 AMG। साइड से मैं भी आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ इसकी। अब अगर देखना चाहो तो साइड से कुछ ऐसी है, ये व्हील्स देखो इसके, जो व्हील्स पे जो AMG की बैजिंग है और जो रेड स्ट्रैप है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करती है इसके लुक को। इसके अंदर जो इंटीरियर आता है वो आता है ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में, अल्कंटारा लेदर, V8 की। इसके सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं ये जो कमेंट करके बताना कि किस किस की है फेवरेट मर्सिडीज़ G63 AMG। तो अब चलते हैं और बढ़िया स्टॉल। ओके, तो अब हम जाने वाले हैं वॉक्सवैगन के स्टॉल में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल खड़ा हुआ है आप सबके लिए। तो सबसे पहली गाड़ी जो है उसके स्पेक्स दे रहे हैं और गाड़ी है। अब साइड से अगर आप देखना चाहो तो साइड से भी कुछ प्रोफाइल आप इसकी एंजॉय कर सकते हो, और पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पीछे से कैसी है। अब पीछे से देखो, लग रही है ना मज़ेदार कार है। तो अब देखते हैं और गाड़ी, देखते हैं गाड़ी, अब ये देखो कैसी लग रही है, बताना ज़रूर, बतानी आपको सब गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने आपको पहले भी बताया, गाड़ी होती है ना जो हम आपको बहुत दिखाते हैं पोलो, अब ये है असली पोलो जो ट्रैक पे चलती है। स्पेशली एक बार यहाँ पे रिव्यू ले लेते हैं, आपको ये गाड़ी कैसी लगी? बहुत बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब नॉर्मल जो पोलो होती है उसके रेस पोलो, इट्स नॉट स्ट्रीट लीगल ऑब्वियसली, बट हाँ इट्स गुड। अगर आप ऑन ट्रैक देखें इसका रिव्यूज, इट्स द बेस्ट फॉर वॉक्सवैगन, इट्स द बेस्ट। ओके, तो स्कोडा के स्टॉल पे हम आ चुके हैं और सबसे पहली जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं वो है कायरो। काफ़ी टेढ़े मेढ़े से नाम ही होते हैं स्कोडा के, लेकिन गाड़ियाँ बहुत अमेजिंग होती है। अब ये भी गाड़ी आप देखो और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको गाड़ी। बाकी अगर आप कुछ देखना चाहते हो उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट कार वी हैव फ्रॉम स्कोडा रैपिड। रैपिड हमने आपको बहुत दिखाई, आप ये रैपिड देखो यार, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, स्पेशली द कलर। साइड से अगर आप देखना चाहो तो साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो साइड से कुछ ऐसी है और पीछे से ये रैपिड कुछ ऐसी है। बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है ये वाली रैपिड स्कोडा के स्टॉक। रेड कलर की भी रैपिड दिख जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा रेड कलर है, और इधर जो खड़ी हुई है ब्लू कलर में, दैट इज़ स्कोडा ऑक्टेविया RS। अब ये भी गाड़ी मुझे बताना कि कैसी लग रही है। अक्षय से पूछे, अक्षय को क्या कहना है इसका, अक्षय कैसी लगी भाई? चमकदार गाड़ी है, चमकदार चमका देगी ये लाइफ, ये लाइफ को चमका देगी। आप भी बताना कैसी लग रही है RS, स्पेशली द लाइट्स। तो अब चलते हैं और गाड़ियां देखने जो कि उधर भी खड़ी हुई है, दैट इज़ द LMK वर्जन ऑफ कॉडियाक। अब ये देखो प्रॉपर SUV कार है, ये भी काफ़ी अच्छी है, आगे से आप देख पा रहे हो। अभी उस तरफ चलते हैं,
और उस तरफ से अंदर से इंटीरियर भी देखते हैं इसका, इसका इंटीरियर और बैक से कुछ ऐसी दिखती है ये कार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी। सो सुपर बहुत ट्रेंड में रहती है स्कोडा की, सो दिस इज ऑल न्यू सुपर। आप इधर से आप देख लीजिए, अभी मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ ऑल न्यू सुपर। अब ये देखो आगे से रेड कलर में कितनी अमेजिंग लग रही है यार, ज़बरदस्त। आप देखते हैं और गाड़ियाँ इधर जो चल रही हैं। हम इधर जो सुपर का एक और कलर खड़ा हुआ है, अब ये भी कलर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी कलर काफ़ी अच्छा है सुपर के अंदर जो आपको दिखता है। अब आपको एक विंटेज कार दिखाता हूँ जो कि काफ़ी क्लासिक कार है, ये बताना कैसे क्लासिक है। अब साइड से अगर हम देखें एक बार तो साइड से कुछ ऐसी है ये विंटेज कार, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। आप भी मुझे बताना कि कैसी लग रही है, विंटेज कार का अलग ही मज़ा है। अब स्कोडा का जो कॉन्सेप्ट विजन होता है वो क्या होता है वो भी आप देख लो कि कैसा लग रहा है आपको विजन। ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, स्पेशली लाइट का जो इफेक्ट है ना यहाँ पे, गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तो था स्कोडा का स्टॉल जो हमने आपको भी दिखाया मर्सिडीज़ के बाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ओके, तो इस वीडियो का जो एंड होने वाला है वो होने वाला है एक अवार्ड विनिंग कारों से। अभी हम एक ऐसे स्टॉल पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको कुछ गाड़ियाँ जो दिख रही हैं मेरे पीछे वो बेसिकली वर्ल्ड कार अवार्ड्स में जानी जाती है। अब एक सेंट्रो है, इसका जो हिसाब किताब यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी वर्ल्ड अर्बन कार टॉप 3 फाइनलिस्ट 19 की। अब जो अवार्ड विनर कार है वो आप ये देखो, पोलो को अवार्ड मिला हुआ है। सो दिस इज वॉल्क्सवैगन पोलो वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2010। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट कार इज जैगुआर एफ पेस, और एफ पेस का जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2017। अपनी गाड़ी लेके आए हुए दैट इज XC60। हमने भी आपको बहुत सारी XC60 दिखाई है, और इसको तो वॉल्वो की गाड़ियों को तो वर्ल्ड की सेफेस्ट कार बोला जाता है। और उसी के साथ अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2018। अब सबसे इंटरेस्टिंग गाड़ी है ये, अब ये देखो क्या अमेजिंग गाड़ी है भाई। अब आप इधर देखो इस गाड़ी को तो आपको आइडिया होगा ये BMW की जो ये गाड़ी है वो है कौन सी। तो दिस इज BMW i3S, और इसको जो अवार्ड मिला हुआ है वो आप इधर देखते हो। तो ये अब इस गाड़ी के बारे में अगर हम पूछे किससे भाई से तो कैसी लगती है गाड़ी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। BMW कैसी लगती है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आपके काफ़ी रिव्यू भी देखे हैं तो बेस्ट है। तुमने मार्केट में मेरे सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत ये हमारे सब्सक्राइबर है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये भी है भाई काफ़ी सारे भाई हैं, मज़ा आ रहा है, शूट भी हो रहा है, छोटा सा मीट एंड ग्रीट भी हो रहा है। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक तो करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना जो लोग कह रहे हैं, शेयर भी कर देना। तो मैं आपसे मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है टाटा के ऊपर, क्योंकि टाटा ने जो स्टॉल यहाँ पर लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।